नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन। इस फोरम में शामिल होंगे 70 से भी ज्यादा देश। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हुई एंट्री। कर्नाटक में मिले दो मरीज, दोनों को आइसोलेट किया गया। LAC विवाद को लेकर भारत चीन की फिर होगी बातचीत। दिसंबर में 14वें दौर की बातचीत संभव। बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा को सिख फॉर जस्टिस SFJ की धमकी। कहा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यूपी के सहारनपुर से CM योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा पहले यूपी में दंगे होते थे, आज स्थिति सुधरी है। दंगाइयों की सरकार को जनता ने उखाड़कर फेंका है। वेंकैया नायडू ने दी विपक्ष को नसीहत। कहा ऐसा नहीं कि पहली बार सांसद निलंबित हुए, जो अराजकता हुई संसद में वो सबने देखी। प्रशांत किशोर ने किया कांग्रेस पर बड़ा वार। कहा पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने 90% चुनाव हारे, कमजोर नेतृत्व की वजह से पार्टी इस हाल में। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा प्रदूषण रोकने में असफल रही केजरीवाल सरकार, सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू। भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट खोए बनाए 25 रन। और नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज मनी हाइस्ट आज होगी रिलीज। रिलीज के साथ ही खत्म होगी सीरीज। फैंस में सीरीज को लेकर गजब का उत्साह।